खेतों में पौधों की वांछित संख्या, उचित विकास व अधिक उत्पादकता के लिए खरीफ दलहनी फसलों की बुआई पंक्तियों में करने की संस्तुति की जाती है। इस विधि में बीज की मात्रा कम लगती है और साथ ही फसलों में अंतःसस्य क्रियाओं को करना भी आसान होता है। पंक्तियों में बुआई विधि में फसलों की बुआई समानांतर पंक्तियों में निश्चित दूरी पर की जाती है। इस विधि द्वारा बुआई करने पर पौधों को विकास के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है तथा वायु प्रवाह अच्छा होने की वजह से नमी के कारण होने वाले कई रोगों के प्रकोप में कमी आती है। इन सभी परिस्थितियों का फसल उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पंक्तियों में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल अथवा हल बैल के पीछे कूड़ों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इस विधि द्वारा बुआई के लिए कई तरह के बीज प्लांटर उपलब्ध हैं। खरीफ दलहनी फसलों में अधिक वर्षा होने की स्थिति में जल भराव के कारण पौधों की वांछित संख्या प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। ये समस्या खास तौर पर जल भराव के प्रति अति संवेदनशील फसलों जैसे अरहर व मूंग की फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले व जल भराव वाले क्षेत्रों में खरीफ दलहनी फसलों की बुआई रेस्ड बेड अथवा मेड़ों पर करने की संस्तुति की जाती है। रेस्ड बेड या मेड़ों पर बुआई में खेतों में उठी हुई क्यारियां तैयार कर उस पर फसलों की एक या दो पंक्तियों में उचित दूरी पर बुआई की जाती है। समतल खेतों में बुआई की अपेक्षा रिज या उठी हुई क्यारियों व मेढ़ों में बुआई करने पर जल भराव की समस्या से फसलों को बचाया जा सकता है। रेस्ड बेड या उठी हुई क्यारियों के वांछित आयामों का निर्धारण फसलों की आवश्यकता के साथ साथ ट्रैक्टर के टायरों की दूरी, मृदा के प्रकार, लवणता तथा सिंचाई के जल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।